मेडिकल कॉलेज में आप सबको स्वागत है। और देख सकते हो मैं फाइनली आ चुका हूँ यहाँ मेडिकल कॉलेज का वन द वे। ये रहा रोड और बहुत ही खूबसूरत एरिया रहा, आप लोग देख सकते हो। और हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आप सबको एक और नए वीडियो में स्वागत है। आप सब कैसे हो, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं फाइनली आ चुका हूँ वेस्ट कार्बी अलोंग डिफू में। डेफिनेटली एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ डिफू मेडिकल कॉलेज। तो यहाँ का नज़ारा देख सकते हो, काफ़ी अच्छा है और बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हो ये नज़ारा। तो आप लोग देखते रहिए, वीडियो में बने रहिए, तो आप लोगों को और आगे का व्यू दिखाने वाला हूँ। सो गाइस, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए। तो और बहुत ही खूबसूरत है एरिया, देख सकते हो आप, बहुत ही क्लीन है। तो कार्बी अलोंग में जो डिफू मेडिकल कॉलेज है वो सबसे बड़ा है, कार्बी अलोंग का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज यही है, डिफू में है। और मेडिकल कॉलेज का साथ साथ आप लोगों को भी और दिखाने वाला हूँ डिफू का, और बहुत बहुत जगह ऐसा खूबसूरत है, आप लोगों को डेफिनेटली एक्सप्लोर करके दिखाने वाला हूँ। और दोस्तों, ये रहा डिफू रेलवे स्टेशन, और इसी रेलवे स्टेशन से आप डिफू मेडिकल कॉलेज जाने के लिए ज़्यादा दूर डिस्टेंस नहीं, सिर्फ 1.5 किलोमीटर है। आप पैदल भी जा सकते हो या ऑटो लेकर भी आप जा सकते हो। रेलवे स्टेशन के फ्रंट साइड में आपको मिल जाएगा ऑटो स्टैंड, और वहाँ से आप लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। ऑटो स्टैंड के साथ साथ आपको यहाँ से बस स्टैंड भी मिल जाएगा, आप कहीं भी आराम से यहाँ से जा सकते हैं। और सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुँच चुका हूँ, ये रहा मेडिकल कॉलेज जाने का मेन रोड, और इसी मेन रोड होके आपको जाना है। और गाइस, आप लोग देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत से ये गेट बनाया गया है, और इसी गेट होके आपको जाना है मेडिकल कॉलेज की तरफ। तो आइए चलते हैं गाइस, लेट्स गो, आप लोगों को वहाँ का व्यू दिखाएंगे। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार है, आप लोग देख सकते हो, काफ़ी खूबसूरत है और बहुत ही क्लीन है भाई, ज़बरदस्त। कार्बी अलोंग जो बोला जाता है डिफू ना काउंसिल, बहुत ही खूबसूरत एरिया है और बहुत ही क्लीन एरिया है। आप लोग देख सकते हो रोड का बीच बीच में फ्लावर गाछ है। आसाम में ज़्यादा 3-4 दिन से बारिश होते हुए काफ़ी बोरिंग हो चुका हूँ, और फिलहाल अभी घूमने के लिए आ चुका हूँ डिफू में। और गाइस, आप लोग देख सकते हो यहाँ का नज़ारा और बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग देख सकते हो ये छोटा मोटा वाटरफॉल बनाया गया है, और बीच में स्टैचू बनाया गया है, देख सकते हो काफ़ी कमाल का है। और सो गाइस, आप लोग देख सकते हो ये रहा मेडिकल कॉलेज का मेन गेट, और हम लोग फाइनली पहुँच चुका हूँ मेन गेट पर। और इसी मेन गेट का चारों तरफ का आप लोगों को व्यू पॉइंट दिखाएंगे, तो आप लोग इसी वीडियो में बने रहिए। और गाइस, हॉस्पिटल के फ्रंट साइड में एक छोटा मोटा मार्केट मिल जाएगा, यहाँ पे खाने के लिए हर सामान अवेलेबल है, जैसे होटल है, फास्ट फूड खाने के लिए भी यहाँ पे अवेलेबल दुकान है। और सो गाइस, अकेले अकेले वीडियो बनाते बनाते हमारा दोस्त को मिल चुका हूँ, और हमारा घर का नज़दीक में है, और जीवनदा है, देख सकते हो गाइस, ये जीवनदा है। जीवनदा कैसे हो पहले? और जीवनदा यहाँ पे मतलब लेबोरेटरी में हो ना, मेडिकल कॉलेज में? तो वीडियो कर रहा है क्या अभी? पहले तो बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ मीट करते हुए, जो भी हो, लेकिन बहुत दिन के बाद फिर मुलाकात हुए डिपू में आके, तो अच्छा लग रहा है। तो अभी यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी खूबसूरत से व्यू है। तो आपका ड्यूटी कब है जीवनदा? कल नाइट में है, 8 बजे से, सुबह 8 बजे तक। हाँ, तो गाइस देख सकते हो ये फाइनली स्टेचू, और बहुत ही सुंदर से सजाया गया है यहाँ पे। और अभी शाम का टाइम होने वाला है, इसीलिए काफ़ी खूबसूरत से लाइटिंग वगैरह से लगाया गया है, देख सकते हो। और ये बीच में ये रहा पुल, और पुल का चारा तरफ ये रहा रोड, देख सकते हो काफ़ी खूबसूरत है, बहुत ही कमाल का है, देख सकते हो ना गाइस। वैसे डिफू जो मेडिकल कॉलेज का फ्रंट साइड का रोड है ना, बहुत ही कमाल का है गाइस, और बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा लगा ये स्टेचू, और देख सकते हो। और यहाँ पे भी पानी रुकने के लिए घुट रहा है, देख सकते हो गाइस, और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। और आप लोगों को आगे का व्यू दिखाएंगे, और उस तरफ से मेन रोड होकर आप लोग सिटी की तरफ जा सकते हो। और सो गाइस, देख सकते हो ये रहा नाइट व्यू, नाइट व्यू काफ़ी कमाल का है, देख सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है।
सो गाइस फाइनली हम लोग मेडिकल कॉलेज से निकल चुका हूँ और फिलहाल अभी जा रहा हूँ मामा का घर पे। और गाइस आप लोग देख सकते हो रोड में फिलहाल कोई नहीं है क्योंकि अभी रात को 12 बज चुका है, इसीलिए कोई नहीं। सो गाइस आज का वीडियो यहाँ पे रोक रहा हूँ, फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट ऑल ऑफ यू।